नमस्कार, मेरा नाम निमल तिवारी है और मैं आप सभी का अचीवर्स आईसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी कुशल मंगल होंगे। तो मेरा जो पिछला दो वीडियो था वो गौतम बुद्ध पर आधारित था, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म पर ही आधारित था। अब मैंने अपने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि जो मेरा आने वाला वीडियो होगा वो बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध संगतियों पर आधारित होगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध संगतियों पर ही आधारित है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हमने पिछली वीडियो में ये जाना कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 बीसी को हुआ और जिनका महापरिनिर्वाण 483 बीसी को हुआ था। हमको ये मालूम है कि गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों के जो धर्म उपदेश है उन्होंने दो शिष्यों को दिया था, जिसमें एक का नाम था आनंद और एक का नाम था तो सुभद्र, जो कि एक परिव्राजक थे। और मैंने आपको ये बताया था कि गौतम बुद्ध ने जब अपने अंतिम दिनों का उपदेश इन दोनों शिष्यों को इन्होंने दिया था, तब उसी समय गौतम बुद्ध ने यह बोल दिया था कि मेरे द्वारा जो स्थापित जो बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध संघ है, उसका कोई अगला थेरा नहीं होगा। मतलब मेरे द्वारा जो स्थापित बौद्ध धर्म है उसका अगला कोई उपदेशक नहीं होगा। मेरे द्वारा दिया गया जो धर्म उपदेश है वही अगला क्या बनेगा, थेरा बनेगा। और ये बोलकर उनका क्या हुआ, निधन हुआ। तो 483 बीसी में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है। और कहां होता है, मैंने आपको बताया था मल्ल गणराज्य की एक राजधानी कुशीनारा में। तो अब क्या होता है, होता ये है कि गौतम बुद्ध के निधन के बाद खासकर 483 बीसी उस समय मगध महाजनपद का जो राजा था वो बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु था। और मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार जो कि मित्र थे किनके, गौतम बुद्ध के, और अजात शत्रु जो है वो भी बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। तो अजात शत्रु के काल में 483 बीसी को पहली बौद्ध संगति का आयोजन होता है। और ये जो बौद्ध संगति है, इस बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष है वो कौन बनते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक नाम महाकश्यप। महाकश्यप वो थे जो गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिक्षित शिष्य थे। तो गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिक्षित शिष्य कौन थे, महाकश्यप। और यही महाकश्यप अध्यक्ष बनने वाले हैं पहली बौद्ध संगति की। तो पहली बौद्ध संगति कब हुई, 483 बीसी को, किनके काल में, तो अजात शत्रु। और अजात शत्रु कहां का राजा, मगध महाजनपद का। तो ध्यान दीजिएगा, मगध महाजनपद की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। गिरिव्रज के बाद राजधानी क्या बना, राजगिरी बनाया। राजगिरी नामक नगर बसाने वाले बिंबिसार थे, और बिंबिसार ने ही राजगिरी को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। तो हुआ ये कि जो पहली बौद्ध संगति था, उस पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहां होता है, तो राजगृह में होता है। तो होगा क्या कि एक संगति होगा, इस संगति के जो अध्यक्ष है वो कौन बनेंगे, महाकश्यप बनेंगे। और इस संगति में गौतम बुद्ध के जितने भी जो शिष्य थे, दो को छोड़कर, जिनका एक का नाम था सारिपुत्र और एक का नाम था मोगलियान। मैंने आपको बताया था सारिपुत्र और मोगलियान का गौतम बुद्ध से पहले निधन हो चुका था। तो बाकी जितने भी उनके शिष्य थे वो सभी शिष्य यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं एक काउंसिल में, जो कि पहली बौद्ध काउंसिल होती है। और उसी पहली बौद्ध संगति में जो गौतम बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे, जिनका नाम क्या था, आनंद सामने आते हैं। और आनंद गौतम बुद्ध के धर्म उपदेशों का संकलन कर वो एक नया ग्रंथ का रचना करते हैं, जिसका नाम क्या है, तो सुत्पिटक। तो सुत्पिटक का जो संकलन करता है वो कौन है, आनंद है। और इसी सुत्पिटक का जो संकलन है वो पहली बौद्ध संगति में होती है। आनंद के बाद एक और नाम मुझको याद आता है, जो नाम क्या था, उपाली। उपाली मैंने आपको बताया था कि उपाली वाज द मोस्ट डिसिप्लिन स्कॉलर ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो सबसे या जो सबसे सर्वाधिक नियामक शिष्य थे वो कौन थे, तो उपाली थे। और ये वही उपाली है जिन्होंने बौद्ध संघ का जो नियम और कानून है, उन नियम और कानूनों का संकलन कर एक रचना किया था, जिसका नाम क्या था, विनय पिटक। तो विनय पिटक के रचनाकार कौन थे, तो उपाली थे।
और सुतपिटक के रचनाकार कौन थे? तो आनंद थे। तो आनंद और उपाली यहां दो रचनाओं को लेके आएंगे जिसका नाम क्या होगा? सुतपिटक और विनय पिटक। तो पहली बौद्ध संगति में जो परिणाम निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, वो होगा ये कि पहली बौद्ध संगति में इस बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए दो ग्रंथों का रचना किया गया। और वो दो ग्रंथ क्या था? एक सुतपिटक था और एक एक विनय पिटक था। और ध्यान दीजिएगा, सुतपिटक वास रिसाइटेड बाय आनंद एंड विनय पिटक वास रिसाइटेड बाय उपाली। तो उपाली और आनंद ने ये दो रचना लिखा। तो ये आपका क्या था? पहली बौद्ध संगीति। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बौद्ध संगीति कब हुआ, तो 483 BC को। जो पहली बौद्ध संगीति है ये किनके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु कहां के राजा थे? मगध महाजनपद के। तो पहली बौद्ध संगीति कहां हुई होगी? तो पहली बौद्ध संगीति मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी में हुआ था। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। और पहली बौद्ध संगति में होता क्या है? तो पहली बौद्ध संगति में दो हमको रचनाएं मिलता है, एक का नाम क्या था? सुतपिटक, और एक का नाम क्या था? विनय पिटक। अब मैंने यहां सुतपिटक और विनय पिटक यहां बोला है, तो आपको यह ध्यान देना होगा, सुतपिटक मतलब जिसमें गौतम बुद्ध के धर्म उपदेशों का क्या है? संकलन है। इस सुतपिटक को हम पांच भागों में बांटते हैं। इस पांच भाग को हम निकाय बोलते हैं। तो सुतपिटक को आप कितने निकायों में बांटोगे? तो सुतपिटक को हम पांच निकायों में बांटते हैं। जैसे पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और पांचवा है खुद्दक निकाय। अब मैं बात करूं पहला किसका? दीर्घ निकाय की। तो दीर्घ शब्द से यह समझो, दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब गौतम बुद्ध का सर्वाधिक धर्म उपदेशों का संकलन अगर कहीं है तो वो सुतपिटक के दीर्घ निकाय में है। तो दीर्घ निकाय में क्या है? गौतम बुद्ध के धर्म उपदेशों का सर्वाधिक क्या है? संकलन है। इसी दीर्घ निकाय में बहुत सारे विषय सूक्त हैं। उन विषय सूक्त में दो महत्वपूर्ण विषय सूक्त हमको मिलता है। एक है महापरिनिब्बान सूक्त। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि महापरिनिब्बान सूक्त क्या है, तो महापरिनिब्बान सूक्त विषय सूक्त है किसका? दीर्घ निकाय का। और इसी महापरिनिब्बान सूक्त में गौतम बुद्ध के अंतिम दिनों के धर्म उपदेशों का संकलन है। मतलब गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में जो धर्म उपदेश दिया है, उन सभी धर्म उपदेशों का जो संकलन है वो दीर्घ निकाय के महापरिनिब्बान सूक्त में हमको मिलता है। वही एक और महत्वपूर्ण विषय सूक्त है जिसका नाम है सिंगालोवाद सूक्त। अब मैंने नाम लिया सिंगालोवाद सूक्त का, तो ध्यान दीजिएगा, सिंगालोवाद सूक्त इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिंगालोवाद सूक्त में हमें उपासक धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। अभी उपासक धर्म क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध संघ को हम दो भागों में बांटे, पहला एक सन्यासी वर्ग और दूसरा वो जो गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बनना चाहते हैं। तो जो लोग गृहस्थ जीवन जीकर बौद्ध धर्म का अनुयायी बनते हैं उनको हम बोलते हैं उपासक धर्मी। तो उसी उपासक धर्म का जो पहली जो परिकल्पना है वो हमें कहां से मिलता है? तो सिंगालोवाद सूक्त से। और सिंगालोवाद सूक्त जो है वो विषय सूक्त है किसका? दीर्घ निकाय का। तो ये तो हो गया आपका क्या? दीर्घ निकाय। फिर अगला क्या है? मध्यम निकाय। मंजिम निकाय वो निकाय, वो भाग है जहां पर कहीं कहीं गौतम बुद्ध को अलौकिक शक्ति वाले देवता माना गया है, तो कहीं कहीं उनको एक सामान्य मनुष्य माना गया है। अगला क्या है? संयुक्त निकाय। अब ध्यान दीजिएगा, ये संयुक्त निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि संयुक्त निकाय का एक विशेष सूक्त है जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त। और ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त है, इसी में अष्टांगिक मार्ग की पहली परिकल्पना की गई है। मतलब अष्टांगिक मार्ग के बारे में पहली बार अगर उल्लेख किसी रचना में हुई है तो वो सुतपिटक के संयुक्त निकाय के विषय सूक्त किसमें? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त में। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है। तो ध्यान दीजिएगा, अष्टांगिक मार्ग के बारे में पहली बार उल्लेख हमें कहां मिलता है? तो संयुक्त निकाय के धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त में। तो अगला निकाय क्या है? अगला निकाय है अंगुत्तर निकाय। और ध्यान दीजिएगा, जो अंगुत्तर निकाय है,
अंगुत्तर निकाय के बारे में आपको बता चुका हूं कि अंगुत्तर निकाय ही वो ग्रंथ है जहां पर हमें 16 महाजनपदों का पहली बार क्या हुआ, उल्लेख हुआ। तो भारत जो है वो 6वीं ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में विभाजित था, और इन 16 महाजनपदों का जो पहली बार उल्लेख हुआ है वो कहां पर हुआ है, तो अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय के बाद क्या है, तो खुद्दक निकाय। और ध्यान दीजिएगा, खुद्दक मतलब होता है लघु, लघु मतलब होता है स्मॉल। तो सबसे छोटा भाग मतलब सुत्पिटक का जो सबसे बड़ा भाग क्या है, दीर्घ निकाय, और सुत्पिटक का जो सबसे छोटा भाग क्या है, तो खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में 549 जातक कहानियां हैं। ये जातक कहानी क्या है, तो ये जातक कहानी गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की कहानियां हैं। तो गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की जो कहानियां हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जातक कहानियां। और इन जातक कहानियों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 549। और इन्हीं 549 जातक कहानियों का जो संकलन है वो आपको कहां मिलता है, तो खुद्दक निकाय में। तो ये आपका क्या था, सुत्पिटक। तो सुत्पिटक को हम 5 भागों में बांटे, क्या क्या, तो दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय, और 5वां खुद्दक निकाय। तो इस दीर्घ निकाय का रचनाकार कौन थे, आनंद थे। वही हम मैंने क्या नाम लिया, उपाली। अब उपाली ने क्या लिखा, उन्होंने विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या है, तो बौद्ध संघ से जुड़े हुए नियम और कानूनों का इसमें क्या है, संकलन है। और विनय पिटक के अंदर भी 5-4 भाग है, और वो 4 भाग क्या है, तो पहला प्रतिमोक्ष। तो प्रतिमोक्ष में क्या है, जितने भी जो प्रायश्चित है, तो प्रायश्चितों का जो संकलन है वो किसमें है, प्रतिमोक्ष में। प्रतिमोक्ष के बाद क्या आता है, विभंग। विभंग में क्या है, तो विभंग में कि भिक्षु और भिक्षुणिया, अगर भिक्षु और भिक्षुणिया बौद्ध संघ में कुछ गलत करते हैं तो उनको अगर कोई दंड मिलना चाहिए, तो भिक्षुओं को क्या दंड मिले, भिक्षुणियों को क्या दंड मिले, इनके बारे में उल्लेख हमें कहां मिलता है, विभंग में। तो विभंग को 2 भागों में बांटा गया है, महाविभंग और भिक्षुणी विभंग। महाविभंग संबंधित है भिक्षुओं के लिए, और भिक्षुणी विभंग संबंधित है भिक्षुणियों के लिए। फिर अगला क्या आएगा, तो अगला है खंडक। और ध्यान दीजिएगा, खंडक जो है, खंडक में जितने भी जो बौद्ध संघ के जो सन्यासी हैं, उन सन्यासी को कुछ विशेष लोगों के बारे में, उनके जीवन, उनके जीवनी के संदर्भ में जानकारी दिया जाता है। जो खंडक है उस खंडक को भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला है महावग और दूसरा है चूलवग। महावग जिसमें 10 अध्याय है और चूलवग में 12 अध्याय है, लेकिन महावग ज्यादा बड़ा है। और ध्यान दीजिएगा, महावग बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थी। हम बोलते हैं ना कि बिंबिसार की 500 रानी थी, तो बिंबिसार की 500 रानी थी, इनके बारे में जानकारी कहां से मिलता है, तो इसके बारे में जानकारी हमें महावग से मिलता है। तो महावग किसका भाग है, तो खंडक का। खंडक के बाद क्या आता है, परिवार। और परिवार जो है वो प्रश्न उत्तर शैली वाला क्या है, ग्रंथ है। तो इस प्रकार से ये 4 भाग थे किसके, विनय पिटक का। तो इसी सुत्पिटक और विनय पिटक जो कि पाली भाषा के 2 ग्रंथ है, इन दोनों ग्रंथों का जो संकलन है वो पहली बौद्ध संगति में हुआ। पहली बौद्ध संगति के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल के पश्चात, अर्थात अगर मैं ये बोलूं कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो 483 बीसी में हुआ, तो उसके 100 साल पश्चात मतलब 383 बीसी, तो 383 बीसी को दूसरी बौद्ध संगति होती है। और ये जो दूसरा बौद्ध संगति है, इस समय मतलब 100 साल के पश्चात, मतलब अजातशत्रु के 100 साल के पश्चात, तो ध्यान दीजिएगा अजातशत्रु के 100 साल के पश्चात तो मगध महाजनपद में एक नया वंश का उदय हो चुका था जिसका नाम था शिशुनाग वंश। और उसी शिशुनाग वंश में एक राजा हुआ करता था जिनका नाम था कालाशोक, काकवर्ण कालाशोक। काकवर्ण कालाशोक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो कालाशोक है, कालाशोक का जो अंत है वो महापद्मनंद करेंगे, क्योंकि महापद्मनंद के जो पुरोहित थे वो पाणिनि थे। पाणिनि वो जिन्होंने एक व्याकरण पुस्तक लेखा, नाम क्या है, अष्टाध्याय। तो वो हम कहानी बाद में पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा मगध का उदय। तो ध्यान दीजिएगा काकवर्ण कालाशोक, तो काकवर्ण कालाशोक के काल में 383 बीसी में मगध में ही दूसरी बौद्ध संगति होगी। लेकिन इस समय मगध महाजनपद की जो राजधानी
वो वैशाली बन चुका था। तो मगध महाजनपद की इस समय राजधानी क्या थी? वैशाली। तो दूसरी बौद्ध संगति कहां होता है? तो वैशाली में होता है। किसके काल में होता है? तो काकवर्ण कालाशोक के काल में। ध्यान दीजिएगा, इस दूसरी बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर्ववामी सब्बकामी। तो सर्ववामी सब्बकामी यहां पर दूसरे बौद्ध संगति के क्या थे? अध्यक्ष थे। और इस दूसरी बौद्ध संगति में होता यह है कि चूंकि अब तो कोई थेरा नहीं थे, अब तो कोई विशेष उपदेशक थे नहीं, किसमें? बौद्ध धर्म में। जो कुछ भी जो धर्म था वो चल रहा था दो रचनाओं से, जिसमें एक नाम था सुपिटक और विनय पिटक। तो हुआ ये कि इस संघ से जुड़े हुए जितने भी जो सन्यासी हुआ करते थे उनके विचारों में मतभेद उत्पन्न चालू हुआ। और ये पहली बार था जब बौद्ध संघ संप्रदायों में बढ़ता जा रहा था। इसमें बौद्ध धर्म के दो गुट का स्थापना हो चुका था। इसमें एक नाम था स्थावीर और एक नाम था महासंधिक। तो एक क्या नाम था? स्थावीर, और एक नाम क्या था? महासंधिक। महासंधिक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महासंधिक के स्थापना करता महाकश्यप थे, और जो स्थावीर था, स्थावीर जो सर्व अस्तित्ववाद पर आधारित था, जो सभी वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकारता था, तो स्थावीर जो था वो उसकी जो स्थापना है या सर्व अस्तित्ववाद संप्रदाय के जो स्थापना करता है वो राहुल भद्र थे। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि दूसरी बौद्ध संगति में हुआ क्या, तो दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो गुटों में बट गया। और दो गुट क्या था? तो पहला स्थावीर और दूसरा क्या था? तो महासंधिक। तो महासंधिक के स्थापनाकर्ता कौन थे? महाकश्यप। और स्थावीर के जो स्थावीर था उसे कौन सा विचारधारा सामने आया? तो सर्व अस्तित्ववाद। और इस सर्व अस्तित्ववाद के संस्थापक कौन थे? तो राहुल भद्र थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरी बौद्ध संगति। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं तीसरी बौद्ध संगति की, मतलब मुझे जाना होगा सम्राट अशोक के काल में। आपको यह बहुत अच्छे से मालूम है कि मगध महाजनपद को साम्राज्य बनाने वाले महापद्मनंद थे, लेकिन इसी साम्राज्य को अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के पोते कौन थे? सम्राट अशोक थे। तो सम्राट अशोक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक पहले तो वो शैव धर्म के अनुयायी थे, आगे चलकर वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बनेंगे। चिंता ना करिए, मैं सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का भी एक कहानी प्रस्तुत करूंगा मेरे आने वाले वीडियो के माध्यम से। तो अगर बहुत अच्छे समझ में आएगा, मतलब आपका जो सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए आप हर एक तथ्य को आप आसानी से समझ जाओगे उस समय। फिर भी आपको यह ध्यान देना होगा कि जो सम्राट अशोक है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और सम्राट अशोक के काल में ही 251 BC को मोगलिपुत्तिस जो कि पहले एक परिव्राजक थे, यही जो मोगलिपुत्तिस है ये अध्यक्ष बनेंगे तीसरी बौद्ध संगति के। तो तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष बनने वाले कौन है? मोगलिपुत्तिस। और तीसरी बौद्ध संगति होगा कब? तो 251 BC को, किनके काल में? सम्राट अशोक। अगेन, सम्राट अशोक कहां के राजा है? तो मगध सम्राट के, मगध साम्राज्य के। तो मगध साम्राज्य के राजा सम्राट अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगति होगी, और कब होगा? 251 BC को। तो ध्यान दीजिएगा, सम्राट अशोक के काल में मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र। तो तीसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ होगा वो कहां पर हुआ होगा? पाटलिपुत्र में। और इसके जो अध्यक्ष वो कौन थे? मोगलिपुत्तिस। अब यहां पर क्या होता है, तो अब हमको ये समझना होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने जब गौतम बुद्ध का आपको जीवनी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सारिपुत्र वो थे जिन्होंने गौतम बुद्ध के धर्म उपदेशों का दार्शनिक व्याख्या कर एक रचना लिखा था जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक एक्चुअल में बौद्ध दर्शन है, और इस बौद्ध दर्शन के दार्शनिक कौन थे? तो सारिपुत्र थे। अब उसी अभिधम्म पिटक का वापस क्या होगा? संकलन होगा। तो अभिधम्म पिटक के संकलनकर्ता कौन है? तो मोगलिपुत्तिस है। और मोगलिपुत्तिस इसी अभिधम्म पिटक को इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें? तीसरी बौद्ध संगीति में। तो तीसरी बौद्ध संगीति में क्या होगा कि तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन होगा, और हमारे बौद्ध संघ में
इंट्रोडक्शन होगा किसका, बौद्ध दर्शन का, किस नाम से, अभिधम्म पिटक। तो यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस चीज याद रख लीजिए, अभिधम्म पिटक जो है उसके रचनाकार सारिपुत्र हैं, लेकिन अभिधम्म पिटक के जो संकलन करता है वो मोगलीपुत्र तीस है, और मोगलीपुत्र तीस ने इसको इंट्रोड्यूस कब किया, तो तीसरी बौद्ध संगीति में। तो तीसरी बौद्ध संगीति से जो बौद्ध धर्म है वो तीन पिटकों में आधारित हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और यहां से हम इस बौद्ध ग्रंथ को बोलना चालू करेंगे क्या, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक मतलब सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत पिटक जिसमें गौतम बुद्ध के धर्म उपदेशों का संकलन है, विनय पिटक जिसमें बौद्ध संघ से जुड़े हुए नियम और कानूनों का संकलन है, और अभिधम्म पिटक जिसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए जितने भी जो धर्म उपदेश है उन अधर्म उपदेशों का दार्शनिक व्याख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, जो अभिधम्म पिटक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अभिधम्म पिटक में कुल मिलाकर 7 टॉपिक है, टॉपिक को हम बोलते हैं प्रकरण। तो अभिधम्म पिटक में कितने प्रकरण है, तो 7 प्रकरण है, इसको हम बोलते हैं सप्त प्रकरण। सप्त प्रकरण क्या क्या है, तो पहला धर्म संगनी, धर्म संगनी के बाद पुग्गल पन्नति, पुग्गल पन्नति के बाद धातु कथा, धातु कथा के बाद कथावत्रु, कथावत्रु के बाद यमक, और यमक के बाद पत्थान, और पत्थान के बाद विभंग। तो ये कुल मिलाकर कितने हैं, 7, और इस 7 टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, सप्त प्रकरण। तो इस पूरे 7 टॉपिकों में गौतम बुद्ध के धर्म उपदेशों का क्या हुआ है, दार्शनिक व्याख्या किया गया है। तो इस प्रकार से ये क्या थे, आपके 3 क्या थे, पिटक थे, और इसी त्रिपिटक को हम क्या बोलते हैं, बौद्ध ग्रंथ बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये क्या था, तीसरी बौद्ध संगीति। तो एक बार हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, तो देखते हैं जो पहली बौद्ध संगीति कब हुआ, तो 483 BC जब गौतम बुद्ध का निधन हुआ। कहां पर हुआ, तो राजगिरी में। राजा कौन था, अजातशत्रु, अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। हुआ क्या, 2 रचनाओं का संकलन हुआ, क्या क्या, सुत पिटक और विनय पिटक। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ, तो 100 साल के पश्चात 383 BC को। कहां पर, मगध की उस समय की तत्कालीन राजधानी वैशाली में। राजा कौन था, काकवर्ण कालाशोक, अध्यक्ष कौन थे, सर्ववामी सबकामी। और हुआ क्या, जो बौद्ध धर्म है वो 2 गुटों में बट गया, एक स्थावीर और दूसरा महासंधिक। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ, 251 BC को। राजा कौन था, राजा सम्राट अशोक थे। और कहां पर हुआ, तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र थे। और हुआ क्या, तो हुआ ये कि यहां पर हमें तीसरा पिटक मिलता है, इसका नाम क्या है, अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक का जो संकलन है वो तीसरी बौद्ध संगति में होती है। अब चौथी बौद्ध संगति में क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, चौथी बौद्ध संगति होता है पहली शताब्दी में, ऐसा माना जाता है कि 100 AD। तो 100 AD में या पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगति होती है। इस समय इस संगीति का आयोजन मगध में नहीं होता है, तो यह पहली बार था जब इस संगीति का आयोजन मगध साम्राज्य में ना होकर कहीं और होता है। कहीं और क्यों होता है, कि ध्यान दीजिएगा, इस समय पहली शताब्दी में भारत का जो सर्वाधिक प्रतापी राजा था वो एक कुषाण वंश का राजा था जिसका नाम था कनिष्क। कुषाण मतलब चाइनीज जाति कुईसांग, तो कुईसांग से क्या बनते हैं, कुषाण। तो कुषाण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कुषाण एक ऐसे राजा थे जिसने चाइना के आसपास के क्षेत्र में भी उसने अपना क्षेत्र का क्या कि अपने साम्राज्य का उन्होंने क्या किया था, विस्तार किया था। तो उसी कुषाण जिन्होंने शक संवत की भी शुरुआत की थी, शक संवत जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, 78 AD। तो शक संवत की शुरुआत करने वाले कौन, तो कनिष्क। और कनिष्क के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कनिष्क के दरबार में कुल मिलाकर 5 रत्न हुआ करते थे, जिसमें एक का नाम था चरक। चरक वो जिन्होंने चरक संहिता लिखा है, बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। चरक के अलावा इन्हीं के दरबार में रहने वाले कौन थे, तो पार्श्व। पार्श्व के अलावा नागार्जुन, नागार्जुन को दूसरे गौतम बुद्ध बोलते हैं। नागार्जुन के अलावा कौन, तो वसुमित्र। और वसुमित्र के अलावा कौन, तो अश्वघोष। तो अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, पार्श्व और चरक, ये पंचरत्न हुआ करते थे। किनके दरबार में, कनिष्क के दरबार में।
और ध्यान दीजिएगा अब इसमें जो मैंने पार्श बोला, तो ये पार्श वो थे जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराने वाले कौन थे? तो पार्श थे। अब इसी चौथी बौद्ध संगीति का अगर आयोजन पार्श ने कराया तो किनके काल में? कनिष्क के काल में। कर तो 100 AD में। अब चौथी बौद्ध संगीति हुआ कहां? तो ध्यान दीजिएगा, तो चौथी बौद्ध संगीति है, इस चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कुंडल वन में हुआ। ये कुंडल वन जो है आज वर्तमान का जो लुधियाना का जो आसपास का जो क्षेत्र है, पंजाब का जो क्षेत्र है, पुस्तकों में कश्मीर दिया होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा लुधियाना जलंधर के पास में इस कुंडल वन को देखा गया है। और इसी कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। किनके द्वारा? तो पार्श के द्वारा। किनके काल में? तो राजा कनिष्क के काल में। इस चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बनेंगे वसुमित्र, और इसी चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष बनेंगे अशोकघोष। अब होगा क्या? चौथी बौद्ध संगीति में होता यह है कि चौथी बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष वसुमित्र है, वसुमित्र एक रचना लिखेंगे जिसका नाम होगा महाविभाषा शास्त्र। तो महाविभाषा शास्त्र जो कि एक संस्कृत भाषा का एक बौद्ध ग्रंथ है, तो महाविभाषा शास्त्र को लिखने वाले कौन है? तो वसुमित्र है। और जो महाविभाषा शास्त्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महाविभाषा शास्त्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश है। कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश है वो बौद्ध धर्म का विश्वकोश क्या है, तो महाविभाषा शास्त्र। एंड दिस महाविभाषा शास्त्र वाज रिसाइटेड बाय वसुमित्र, जो कि चौथी बौद्ध काउंसिल के क्या थे? चेयरमैन थे। अब ध्यान दीजिएगा, चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अशोकघोष थे। अब अशोकघोष भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अशोकघोष ने बहुत सारे रचनाएं लिखे हैं। अशोकघोष की एक रचना है सूत्र अलंकार। सूत्र अलंकार के अलावा अशोकघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है। बुद्ध चरित्र के अलावा अशोकघोष ने सौरांदानंद लिखा है। सौरांदानंद मतलब सुंदर नंद। और इन्हीं अशोकघोष ने एक और रचना लिखा जिसका नाम है सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र प्रकरण मतलब क्या टॉपिक है? सारे पुत्र। तो सारे पुत्र प्रकरण, सौरांदानंद, सुंदर नंद। नंद कौन? तो गौतम बुद्ध के सौतेले भाई। सारी पुत्र कौन? गौतम बुद्ध के शिष्य। प्लस बुद्ध चरित, और बुद्ध चरित के अलावा क्या? सूत्र अलंकार। ये चार संस्कृत भाषा के जो बौद्ध ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार आपके अशोकघोष है। और अशोकघोष चौथी बौद्ध संगति के क्या बनते हैं? तो उपाध्यक्ष बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस चौथी बौद्ध संगति के में ही मैंने एक नाम और लिया, क्या? नागार्जुन। नागार्जुन वो जो सुन्नीवाद के क्या है? जनक है। जो आगे तक मैं आपको बताने वाला हूं सुन्नीवाद है क्या, तो सुन्नीवाद के जनक कौन? नागार्जुन। और नागार्जुन ने भी दो प्रमुख रचना लिखा है। एक नाम क्या है? एक नाम क्या है? आपका मध्यकारिका सूत्र। और मध्यकारिका सूत्र के अलावा जो एक और क्या है? तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र। तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र और मध्यकारिका सूत्र, ये दो रचना कौन लिखे हैं? तो नागार्जुन लिखे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ये चौथी बौद्ध संगीति हुआ। तो चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन वो कब हुआ? 100 AD में, पहली शताब्दी में। कहां पर हुआ? कुंडल वन में। राजा कौन था? राजा कनिष्क थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अशोकघोष। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करता कौन थे? तो पार्श्व थे। कनिष्क के कितने रत्न थे दरबार में? तो 5 रत्न। कौन कौन? चरक, पार्श्व, वसुमित्र, अशोकघोष और नागार्जुन। और नागार्जुन ने क्या रचना लिखा है? तो मध्यकारिका सूत्र और प्रज्ञा पारमिता सूत्र। तो से ये चार क्या थी? संगीतियां थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो चौथी बौद्ध संगति है, इसी चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है वो दो संप्रदायों में बट जाएगा। एक नाम होगा हीनयान और एक नाम क्या होगा? महायान। तो हीनयान और महायान इन दो संप्रदायों में टूट जाएगा क्या? तो बौद्ध धर्म। तो बौद्ध जो बौद्ध संप्रदाय, जो बौद्ध संघ है, वो दो संप्रदायों में यहां पर क्या हो गया? विभक्त हो गया। अब यहां पर हीनयान क्या है और महायान क्या है? ध्यान दीजिएगा, वे लोग जो गौतम बुद्ध के धर्म उपदेशों का ही पालन किए, गौतम बुद्ध को एक मानव मात्र माने, मतलब जिनकी जो विचारधारा था वो रूढ़िवादी था,
जो बौद्ध धर्म को ज्यों का त्यों मानने वाले थे वो क्या थे? हीनयान थे। और महायान क्या थे? तो महायान उत्कृष्टवादी थे, महायान परिवर्तनवादी थे। महायान गौतम बुद्ध को ईश्वर मानने लगे, गौतम बुद्ध के मूर्तियों का ये पूजा करना चालू कर दिए, गौतम बुद्ध के अवतार रूपी को ये मानना चालू कर दिए। तो जो परिवर्तनवादी थे वो कौन थे? महायान। और जो गैर परिवर्तनवादी थे, जो रूढ़िवादी थे, वो क्या थे? हीनयान। तो इस प्रकार से दो समुदायों में बंटता है कि आपका बौद्ध संघ या बौद्ध धर्म। अब जो हीनयान है, ध्यान दीजिएगा, हीनयान विचार का जो ज्यादा जो प्रचार है वो हमारे भारत के दक्षिण भाग में ज्यादा हुआ। कहाँ कहाँ? श्रीलंका या अब इंडोनेशिया, म्यांमार। और जो महायान के जो अनुवायी है वो आपको ज्यादा कहाँ मिलेंगे? चाइना में मिलेंगे, जापान में मिलेंगे, मंगोलिया में मिलेंगे। तो मंगोलिया, चाइना, जापान, ये सब महायान वाले हैं। और श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सब हीनयान वाले हैं। अब थोड़ा इसको समझते हैं कि हीनयान महायान में और हमें क्या मिलता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि भाई हीनयान जो है वो क्या है? रूढ़िवादी विचारधारा है। और महायान क्या है? तो परिवर्तनवादी उत्कृष्टवादी विचारधारा, जो गौतम बुद्ध के अवतार रूप को मानना स्वीकार करना चालू कर दिया। मतलब गौतम बुद्ध के अब मूर्तियों का निर्माण होना चालू होने वाला है। किस काल में? कनिष्क के काल में। गंधार शैली और मथुरा शैली के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, जब कनिष्क हम पढ़ेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अब देखते हैं भाई जो हीनयान है, हीनयान भी दो भागों में बढ़ जाएगा। इसी चौथी बौद्ध संगति के बाद हीनयान संप्रदाय भी दो भाग में बटेगा। पहला क्या है? तो वैभाषिक, और दूसरा क्या है? सौत्रांतिक। वैभाषिक जो विचार है ये आपको ज्यादा नजर आएगा कश्मीर के आसपास। अब शब्द देखिए क्या, वैभाषिक, भाषिक मतलब भाषाएं, मतलब जो ऐसा शाखा या ऐसा संप्रदाय जो गौतम बुद्ध के भाषाओं को माने वो क्या हुआ? वैभाषिक हुआ, वैभाषिक संप्रदाय हुआ। वैभाषिक मतलब जो सर्व अस्तित्ववाद पर आधारित है, मतलब वो विचार जो सर्व अस्तित्ववाद पर विचार पर आधारित है वो क्या है? वैभाषिक है। अगला क्या है? सौत्रांतिक। सौत्रांतिक मतलब समझ लो, सौत्रांतिक में सूत्र तंत्र पर आधारित, मतलब वो संप्रदाय जो, मतलब हीनयान की वो शाखा, हीनयान की ही वो शाखा जो सूत्रों पर आधारित है वो क्या हो गया? सौत्रांतिक। जो भाषाओं पर आधारित है वो क्या हो गया? वैभाषिक। जो सूत्रों पर आधारित है वो क्या हो गया? सौत्रांतिक। वैभाषिक में क्या है? सर्व अस्तित्ववाद, मतलब प्रकृति में या संसार में जितने भी जो वस्तु है उन सभी वस्तुओं को स्वीकार लो। और वही जो आप क्या बात कर रहे हैं, स्वतांत्रिक का, तो स्वतांत्रिक में एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ साथ माइंड को भी मानना, मतलब माइंड के अस्तित्व, माइंड के एग्जिस्टेंस और एक्सटर्नल वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस दोनों को स्वीकारना, ये क्या हुआ आपका? स्वतांत्रिक। तो हीनयान जो है वो दो भागों में बटा, क्या क्या? वैभाषिक और स्वतांत्रिक। वही जो महायान है, महायान भी दो भाग में बढ़ जाएगा। महायान के एक भाग को हम बोलेंगे योगाचार, और महायान के दूसरे भाग को हम क्या बोलेंगे? सुन्नीवाद। अब योगाचार के जो संस्थापक है वो मैत्रेयनाथ है। कौन है? मैत्रेयनाथ। योगाचार क्या है? योगाचार जो विज्ञानवाद की बात करता है, विज्ञानवाद मतलब जो विविध ज्ञान के बारे में बात करता है, मतलब जो योग अभ्यास से ज्ञान को अर्जन करने की बात करता है वो क्या है? योगाचार। और जो सुन्नीवाद, सुन्नीवाद के जनक कौन है? तो नागार्जुन। तो नागार्जुन भी कौन से समुदाय जुड़े हुए? तो महायान से। तो शून्यवाद है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन ने शून्य को बोला है एब्सोल्यूट रियलिटी। बौद्ध दर्शन में जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वो क्या है? तो शून्य है। शून्य ही परम तत्व है, मतलब ऐसा तत्व जो सभी, मतलब संसार की सभी वस्तुओं का क्या है? तो कारण है। जिसका कोई कारण ना हो वो क्या है? तो परम तत्व। और वही परम तत्व यहां पर क्या है? तो शून्य है। ध्यान दीजिएगा, शून्य को बौद्ध दर्शन में अव्यक्तत्व कहा गया है, अवर्णीय कहा गया है, जिसके बारे में हम व्यक्त नहीं कर सकते वही क्या है? तो शून्य है। तो शून्य यहां पर क्या है? अव्यक्तत्व है, अवर्णीय है। अवर्णीय के अलावा चतुष्कोटीय, अवर्णीय के अलावा चतुष्कोटीय विनिर्मुक्त है,
मतलब जो चतुष्कोटियों से मुक्त है। चतुष्कोटी वो होता है जो पदार्थ के स्वभाव को समझाता है, मतलब कैसे समझाता है, तो पदार्थ है, पदार्थ नहीं है, पदार्थ है और नहीं है, पदार्थ नहीं है और ना नहीं है, ये क्या है, ये चतुष्कोटी है। तीन चतुष्कोटियों को या इन चतुष्कोटियों से हमें हमें पता चलता है किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ के स्वभाव को समझाने वाला क्या है, चतुष्कोटी है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जो नागार्जुन ने शून्यवाद में जो शून्य के बारे में बात की है, वो शून्य क्या है, तो एब्सोल्यूट रियलिटी है। एब्सोल्यूट रियलिटी मतलब परम तत्व है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो परम तत्व मैंने क्या बोल दिया यहां पर, एब्सोल्यूट रियलिटी। तो अब शून्य को समझे कैसे, क्योंकि हमने क्या बोल दिया कि शून्य क्या है, अव्यक्तत्व है। तो शून्य को बुद्धि नहीं समझा सकता, बुद्धि शून्य के स्वरूप को नहीं समझता। शून्य को जो समझाने के लिए प्रज्ञा ही क्या है, आधार बनता है। मतलब शून्य का ज्ञान केवल प्रज्ञा द्वारा ही संभव है। और ये प्रज्ञा की प्राप्ति कैसी होती है, तो प्रज्ञा की प्राप्ति 5 परिमिताओं से होती है। ये 5 परिमिताएं क्या हैं, तो पहला है दान, दूसरा है शील, शील मतलब हिंसा का परित्याग करना, शील के बाद शांति, शांति मतलब राग द्वेष को दूर करना, मतलब अद्वेष आप बोल सकते हो। शांति के बाद होता है वीर्य, वीर्य मतलब क्या कि जो कार्य करने की जो उत्साह है वो हमारा क्या है, वीर्य है। और वीर्य के बाद क्या, ध्यान, ध्यान मतलब साधना। तो ये 5 परिमिताएं हैं, इन्हीं 5 परिमिताओं से हमें प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, और इसी प्रज्ञा से हमें शून्य के बारे में क्या होता है, ज्ञान होता है। और इसी प्रज्ञा और ये 5 परिमिताओं पर आधारित प्रज्ञा पारमिता एक ग्रंथ है, और इसी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो नागार्जुन है, ठीक है। तो ये आपके क्या था, शून्य था। अब आपको एक चीज यहां और ध्यान देना है, शून्य मैंने क्या बोला, अव्यक्तानी है। उसी प्रकार से अद्वैत विचारधारा में जो आदि शंकराचार्य है, आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म को भी अव्यक्तानी कहा गया है। उन्होंने ब्रह्मा को समझाने के लिए भी नकारात्मक पक्ष रखा है, जैसे कि यहां पर नागार्जुन ने शून्य को समझाने के लिए नकारात्मक पक्ष रखा है। मतलब अद्वैत विचारधारा में ब्रह्मा के स्वरूप को समझने के लिए नेति नेति का सहारा लिया गया है। उसी प्रकार से शून्यवाद विचारधारा में भी शून्य को समझने के लिए नेति नेति का विचारधारा को प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए आदि शंकराचार्य को हम प्रचंड बौद्ध कहते हैं। ये शायद आपकी सीजीपीएससी का इस बार की प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी था। तो प्रचंड बौद्ध हम किनको बोलते हैं, आदि शंकराचार्य को। तो इस प्रकार से ये क्या था, शून्यवाद, जो कि महायान शाखा से क्या है, संबंधित है। तो चौथी बौद्ध संगति में जो बौद्ध संघ है, ये 2 संप्रदायों में बढ़ जाएगा, क्या क्या, महायान और हीनयान। हीनयान जो कि रूढ़िवादी विचारधारा था, और महायान जो कि उत्कृष्टवादी विचारधारा था। अब मैंने आपको यह भी बोला था कि ये तो संगतियां हो गई, संगतियों के अलावा मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी दूंगा इसका, बौद्ध ग्रंथों का भी। तो मैंने आपको त्रिपिटक का जानकारी तो पहले ही दे दिया, लेकिन आपको ये ध्यान देना है यहां पर कि मैंने महायान संप्रदाय अगर बोला है, तो मैंने वहां पर एक चीज और बोला, द इनकार्नेशन ऑफ बुद्धिज्म, मतलब गौतम बुद्ध के अवतार रूपी का भी यहां प्रार्थना या अवतारों को भी यहां मानना चालू कर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैं और थोड़ा आपको डिटेल में समझा देता हूं। महायान जो अनुयायी है, जो शाखा के जो अनुयायी है, उनका यह मानना है कि गौतम बुद्ध जो थे वो पहले बुद्ध नहीं थे। सबसे पहले जो बुद्ध थे वो थे कुकुच्छानंद। कुकुच्छानंद के बाद जो दूसरे बुद्ध बने वो बने कनक भंजन, और कनक भंजन के बाद जो तीसरे बुद्ध बने वो बने कश्यप, और कश्यप के बाद गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जो थे वो चौथे बुद्ध थे। जो आने वाले बुद्ध हैं वो मैत्रेय हैं, और जो आखिरी बुद्ध होंगे उनका नाम होगा सामंत भद्र। अब यहां पर जो मैंने मैत्रेय बोला, तो मैत्रेय मतलब जो आने वाले बुद्ध है, अपकमिंग बुद्ध। तो ध्यान दीजिए, मैत्रेय जो है वो अवतार होंगे किनके, गौतम बुद्ध के या बुद्ध के। तो मैत्रेय क्या है, तो मैत्रेय यहां अवतार है। तो बौद्ध धर्म में अवतार को हम बोलते हैं बोधिसत्व। तो बोधिसत्व में मैत्रेय कौन है, आने वाले बुद्ध। और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अगर बौद्ध मूर्तियों को देखूंगा तो सर्वाधिक बौद्ध मूर्ति मैत्रेय का ही बना है। एक और अवतार मुझे याद आता है, इसका नाम है अवलोकितेश्वर।
तो अवलोकितेश्वर जो अवतार है ये काम, जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो काम देवता है, वैसे ही बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर है। तो अवलोकितेश्वर वो बोधिसत्व है जिनका पहली बार, अगर बोधिसत्व का अगर मूर्तियों का निर्माण हुआ था तो पहला मूर्ति निर्माण अवलोकितेश्वर का हुआ था। इसके अलावा हमें अमिताभ नाम भी मिलता है, अमिताभ भी एक बोधिसत्व है जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ मतलब जो स्वर्ग में निवास करने वाले क्या, तो बोधिसत्व। अमिताभ के अलावा आपको मिलेगा वज्रपाणि, इसके अलावा मंजूश्री, मंजूश्री वो जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाती हैं, इसके अलावा प्रज्ञा, प्रज्ञा एक देवी रूपी बौद्ध अवतार है। तो ये सब बौद्ध अवतार को हम क्या बोलते हैं, बोधिसत्व। इस बोधिसत्व के अलावा मैं थोड़ा बौद्ध ग्रंथ में चले जाता हूँ थोड़ा सा और, तो ध्यान दीजिएगा हम त्रिपिटक पढ़े, त्रिपिटक क्या था, पाली ग्रंथ की रचना थी। पाली ग्रंथ में हमें एक मिलता है मिलिंद पन्नो, जिसमें मिनांडर और नागसेन का संवाद है। मिलिंद पन्नो को अलावा दीपवंश और महावंश, दीपवंश जिसके रचनाकार है वाचस्क, और महावंश जिसके रचनाकार कौन है, तो भदंत महानामा। तो भदंत महानामा क्या लिखे, महावंश, और वाचस्क ने क्या लिखा है, दीपवंश। इसके अलावा कुछ संस्कृत भाषा में भी है, जैसे दिव्य अवदान, दिव्य अवदान कोई अननोन राइटर है, मतलब दिव्य अवदान के रचनाकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, कोई जानकारी नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही है कि भाई महाविभाषा शास्त्र के रचनाकार कौन थे, वसुमित्र और सौरांदानंद और बुद्धचरित और सारी पुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे, अश्वघोष, जो कि संस्कृत भाषा का एक क्या था, बौद्ध ग्रंथ। तो इस प्रकार से ये आज का मेरा वीडियो था, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाओगे। मेरी आने वाले वीडियो में कई बार कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ क्लासेस ले लीजिए, या केमिस्ट्री का क्लास ले लीजिए, या ज्योग्राफी क्लास ले लीजिए। तो आप चिंता ना करिए, इस वीडियो के बाद जो मेरा अगला वीडियो होगा वो हो सकता है कि केमिस्ट्री का हो, और उसके बाद मैं एक मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं यूरोपियन कंपनी आपको समझाऊंगा पूरा अच्छे से मैप वाइज, और हो सकता है कि मैं ज्योग्राफी के भी बहुत सारे फिजिकल ज्योग्राफी खासतर जो कई लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है मतलब समझना उसको, तो उसको भी आसान करने के लिए मैं कुछ वीडियो यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। तो इसी प्रकार से आप मेरे से जुड़े रहिए। मेरा नाम निर्मल तिवारी है, और मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ भी मैं जानकारी दे रहा हूँ ये सभी आप आने वाले एग्जाम में आप सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।